इनकी जिंदगी के हवाले से, जो इनके टिकटॉक की जर्नी है उसके हवाले से, और जो ये बिजनेस भी रन कर रहे हैं उसके हवाले से भी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो मैं आपका शुक्र गुजार हूँ, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जब मर्जी आप आइए, हम तो रोड पे बैठे हुए हैं, जब मर्जी आ जाए। अच्छा, ये आपकी आजिज़ी है। मुझे पहले बताएं कि टिकटॉक पे कैसे आए आप? यार टिकटॉक पे एक सडनली एक वीडियो अपलोड की थी, वो अल्लाह के फजल से के वायरल हो गई। उसके बाद फिर हमें भी मज़ा आया, हम भी वीडियो बनाते गए, तो इंशाल्लाह चल रहा है। अभी तो 1 लाख फॉलोवर नहीं हुआ हमारा, तो बस अल्लाह का करम है। नहीं आप ऐसे जटके बंदे हैं, आपका लाइफ स्टाइल भी ऐसा है, लेकिन टिकटॉक पे तो जने हमारे जैसे लड़के लड़कियां आ जाते हैं, लेकिन आपका कैसे रुझान बन गया इस तरह? तो मैंने जस्ट आपको बताया था कि मैं एक वीडियो बता रहा हूँ कि एक वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो वायरल होगी, तो उसके बाद अभी भी मैं झटकी वीडियो बनाता हूँ। मैं कौन सा इधर कोई बहुत ज़्यादा फैशन करके तो वीडियो बनाता हूँ, जस्ट सादी सी वीडियो बना देते हैं, तो अल्लाह के फजल से वो सबको पसंद आती है। अच्छा अली भाई, कितनी गाड़ियाँ आपके पास हैं जो बिजनेस में चल रही हैं? ने इन दिनों मेरे पास तकरीबन 72 के करीब गाड़ियाँ 72 गाड़ियाँ आपके पास हैं, कौन कौन सी शामिल हैं इसमें? मेरे पास वैगन आर है, आल्टो है, कल्टसे है, होंडा स्विक है, यारसे है, और इसके बाद फॉर्चूनर, रिवो डाले, V8 और प्राटो, ये मेरी सारी मिक्स गाड़ियाँ हैं। 72 कम नहीं होती? बस हमें अल्लाह का फजल है, अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया हुआ है, तो शुक्र है अल्लाह का। कितनी देर से कर रहे हैं बिजनेस आप रेंट पे? मुझे ये बिजनेस इसी जगह पे करते हुए तकरीबन 14 साल 14 साल हो गए। अच्छा अली भाई, इसमें क्या फ्रॉड होता है, क्या तरीकाकार होता है, अगर मैं आपसे रेंट पे गाड़ी लूँ उसका क्या प्रोसीजर होगा? सबसे पहले तो जो हम ज़्यादातर आज तक आजकल जो भी फ्रॉड की वजह से ना बहुत ज़्यादा टफ वेरिफिकेशन हो गई है, जस्ट कोई भी आदमी अगर हमसे गाड़ी लेने आता है तो उसकी बॉडी तहकीक करके और फिर हम गाड़ी देते हैं, इस तरह तो गाड़ी हम नहीं सड़क पे देते। तो वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? वेरिफिकेशन में पहले तो इंसान की बॉडी लैंग्वेज बड़ा अकाउंट कर देती है, जब बंदा हमारे पास आता है तो हमें इस चीज़ की समझ आ जाती है कि ये बंदा अपनी ज़रूरत के तहत आया है या किस तरह। फिर घर देखते हैं, घर लाहौल का जो रहे उसके घर अपना जाती होना चाहिए, उसके बाद तो सबसे प्योरिटी जो हम करते हैं उसके घर में इन्फॉर्म करते हैं कि भाई जान कि जो फर्कले के लड़के हैं वो आते हैं, वो बाद में माँ बाप हमें कहते हैं कि आपने हमसे पूछ के कोई गाड़ी नहीं, लेकिन हमारा फर्स्ट प्योरिटी ये है कि हम घर से वेरिफिकेशन करते हैं कि आपको इस गाड़ी की ज़रूरत है या नहीं है। और जिस तरह आउट ऑफ कंट्री से लोग आते हैं, वो महीना डेढ़ दो जितना भी उनका क्रिकेट था पाकिस्तान में रहते हैं, वो जब गाड़ियाँ लेते हैं तो उनके लिए भी सेम वेरिफिकेशन होती है? जी उनके लिए भी इसी तरह की वेरिफिकेशन होती है, उनके जो आउट ऑफ कंट्री से आते हैं उनके लिए ये होता है कि पहले जब हम बुकिंग करवाते हैं तो हम उनके घरों की वेरिफिकेशन कर लेते हैं, जो उनके भाई या फादर या फिर दोस्त वगैरह उसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं उनके घर पहले, उसके बाद हम गाड़ी देते हैं। वेरिफिकेशन हमारी मस्ट है सब पे गाड़ी देने के लिए। अच्छा, जब अक्सर कई लोगों के साथ फ्रॉड ये हुए हैं कि उनकी गाड़ियाँ रेंट पर जाती हैं, ट्रैकर बंद हो जाते हैं और बाद में उनको उनकी गाड़ियाँ पार्ट्स की शक्ल में वापस मिलती हैं, जी ये तो बहुत ज़्यादा ये काम मार्केट में चल रहा है इस वक्त, जिसकी वजह से काम बड़ा टफ हुआ हुआ है और इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा रहा पाकिस्तान में। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो पाकिस्तान के अदारे हैं वो हमें रेंट ए कार को सपोर्ट नहीं करते, रेंट ए कार को यानी कि हुकूमती लेवल पे अगर सपोर्ट किया जाए तो ये ऐसा काम है कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी जितने भी बड़े ममालिक हैं जो हमसे 100-100 साल आगे हैं उधर आज उधर भी रेंट ए कार मौजूद है। इसका मतलब है कि रेंट ए कार की ज़रूरत हर माशरे को है, उसकी वजह यह है कोई विजिटर आता है, कोई भी मामला है उसके लिए गाड़ी और ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत लाजमी होती है। जिस तरह पहले दौर में घोड़े चलते थे, लोग जिस जगह पे किसी दूसरी ममालिक जाते थे तो उस वक्त भी रेंट पे घोड़े बग्घियाँ ये चीज़ें मिलती थी, ये उसकी जगह अब गाड़ियों ने ले ली। तो हुकूमत को ये काम करना चाहिए रेंटे कार वालों के साथ कि इनका इनको एक तो मुकम्मल तहफ़ देना चाहिए और इनके कारोबार को कारोबार समझा जाए,
अली भाई आपके साथ कभी इस तरह का मिसहैप हुआ? 13-14 साल आपको इस जगह पे बैठे होंगे, कभी आपके साथ इस तरह का कोई वाकया हुआ? भजन मैं समझता हूँ कि जितने ये ऐसे वाकयात मेरे साथ हुए हैं 13-14 सालों में, शायद ही कोई रहने वाला होगा जिसके साथ हुए हैं। तो कोई वाकया बताएं जिससे आपने कोई सबक सीखा हो। भाई इसका जो है ना सबक वाला सिस्टम, ये बस अल्लाह ही बचाए इन जो लोग फ्रॉड करते हैं उनसे। सबक तो बड़े बड़े सीखे हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी ढंग में कोई ना कोई ऐसा आदमी किसी ना किसी सेंस में मिल ही जाता है जो फ्रॉड करता है या फ्रॉड करने की कोशिश करता है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये टेक्नोलॉजी जदीद हो गई है, गाड़ियों में ट्रैकर्स बड़े अच्छे लग गए हैं, तो इस वजह से अब काफ़ी हद तक फर्क पड़ गया। जो गाड़ियों में ट्रैकर्स लगते हैं, इनमें कोई ट्रैकर्स ऐसे होते हैं जिसका आप कंपनी को मंथली पे भी करते हैं, आपकी गाड़ियों में कौन से ट्रैकर लगे हैं? मुख्तलिफ कंपनियों के ट्रैप, कंपनी का तो एक वाहिद कंपनी नहीं है, मुख्तलिफ कंपनियों के ट्रैकर लगे हुए हैं। तो इनका सारी बात है, इसका ना साल बाद पे करना पड़ता है, एक साल की इनकी फीस होती है, तो वो रिडीमाइज हम पे करते रहते हैं। तो सर जिस तरह लोग विदाउट ड्राइवर्स गाड़ियाँ देते हैं, आप भी विदाउट ड्राइवर्स देते हैं या सिर्फ ड्राइवर्स के साथ गाड़ी देते हैं? हम दोनों कैटेगरी में देते हैं, ड्राइवर के साथ भी गाड़ी दे देते हैं और ड्राइवर के बगैर भी गाड़ी दे देते हैं। शरीफ बंदे का कहते हैं ये काम नहीं है, ये रेंट हो गया या प्रॉपर्टी का कुछ हो गया, आपके भी कोई ऐसे मामला है? लेकिन शरीफ बंदे को जो आपने पहले सवाल किया है ना कि शराफत का यही मसला है ना कि जो लोग फ्रॉड करते हैं उनको फिर जब हुकूमत से तहफ़ नहीं मिलता तो फिर रेंट वाला अपना अपना माल बचाने के लिए कुछ ना कुछ करता है, तो फिर वो आम रूटीन में लोग कहते हैं कि ये शरीफ बंदों का काम नहीं है। तो अगर इस तरह के मामला ना हो तो रेंट वाले जितने शरीफ हैं कोई भी नहीं है। यस, इन्होंने एक साइलेंट मैसेज दिया है तमाम लोगों को कि इनके ये सोए हुए शेर है, अगर कोई इनको तंग करेगा ना तो ये जाकर फिर आपके लिए मसला बनाएंगे, ऐसे ही है? नहीं है माला, ऐसा ना ही मतलब नहीं, जब आपकी अब देखे ना, आपने लाखों रुपए एक चीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई आपसे लेकर जाए और सही सलामत आपको चीज वापस ना करे तो फिर तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप इसकी मिसाल ये है ना कि मैं आपसे आपका मोबाइल छीन लूं जी, तो वापस ना करूं तो आप क्या करोगे? आप कुछ ना कुछ तो करोगे, इसी तरह ही रेंट वाले करते हैं। कितने मिनट का कोई और आपके माइंड में क्वेश्चन है बताएं आप।